से मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था और मेरी रिक्वेस्ट है इंटीरियर मिनिस्ट्री से कि इस मामले की तहकीकात कराएं कि किसने किया और इसके पीछे क्या मकसद था और क्यों किया। 24 स्पेशल में खुश आमदीद नाज़रीन, हमारी जुडिशियल हिस्ट्री में एक और बदकिस्मत दिन था जब हमने एक अदालत में होलीगनिज्म देखा इस हद तक कि जज साहब फाजल जज साहब को वहां से तशरीफ ले जाना पड़ी और अदालत का जो प्रोसीजर था वो रुक गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई हादसा था या ये एक इंजीनियर्ड सिलसिला था। हम आमतौर पर वी आर गिवन टू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मगर जिस अंदाज से कोर्ट के बारे में अदलिया के बारे में गुफ्तगु हो रही है जो हमारे वज़रा साहिबान करते हैं और आज जो वाकया हुआ और आज यूं लग रहा है और ये कहा जा रहा है कि इंडाइटमेंट को रोकने के लिए ये सब कुछ हुआ है, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा ये भी हम देखेंगे कि जो अब इसकी क्या इंप्लीकेशन है, लोग तंग आ चुके हैं इस ड्रामे को देख के, क्या इसका कोई एंड है या फिर जो कहा जा रहा है रियासत के अंदर, रियासत तो किसकी रियासत है, पुलिस आपकी, वहां पे हुकूमत आपकी, सूबाई हुकूमत आपकी, फेडरल गवर्नमेंट आपकी, तो ये कौन आके कर गया और फिर ये वकला अंदर जाके चीखते रहे और भगाते रहे। और फिर इससे पहले एक दिन एक और साफी की खबर आई थी, मैं नाम नहीं लेता उनका क्योंकि उनसे मैंने शायद इजाजत नहीं ले रखी, कि मियां नवाज शरीफ साहब का यह कहना है कि हम माजारा ही करेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। मगर मैं प्रोग्राम में अपने मेहमानों के तारफ से पहले तारफ करवा दूं, मेरे साथ जनाब डॉक्टर रांझा साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं, मुमताज़ कानूनदान है। जनरल अमजद शोएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से और मुमताज़ एंकर और तजिया नगार मंसूर अली खान साहब भी हमारे साथ हैं। मगर इससे पहले कि मैं अपने दोस्तों की तरफ जाऊं, मैं चाहूंगा कि इस वाकये के बाद जब जो गुफ्तगू की जनाब तलाल चौरी साहब बड़े शोला बयां हैं, मगर अब जब वो गुफ्तगू की उन्होंने इस वाक्य के बाद तो लगा बड़े मुनकसरुल मिजाज और बड़े धीमे और बड़े दुख और तकलीफ में नजर आए। एक तो मैं ये चाहूंगा जरा मैं प्रोड्यूसर साहब ये दिखाएं और जो मोहतरमा मरियम साहिबा ने फरमाया जिस दुख और गहरे अंदोह का इजहार किया, पहले तो ये सुनाएं और फिर हमें ये बाद में मैं बताऊंगा कि उनकी पिछली कौन सी फुटेज है, जरा इसको कंपेयर करेंगे इनकी बॉडी लैंग्वेज को कि वॉज इट इंजीनियर्ड प्री प्लान या क्या था, पहले तो सुनाएं हमें जरा। जी जनाब, क्या कैसे था सिलसिला? ये वाकया अफसोसनाक पेश आया। मैं इंशाल्लाह ताला जाती तौर पर जिस तरह हम अपने मीडिया के भाइयों के साथ बैठे थे, वकला के साथ भी बैठेंगे, बार के साथ भी बैठेंगे, उनके साथ एक तरीकाकार बनाएंगे कि आइंदा ऐसा वाकया पेश ना आए। एक कैपेसिटी होती है हर जगह की, हर चीज की, लेकिन अगर उनको इजाजत नामा दिया हुआ था और उनको ये कहा था कि आप आ सकते हैं, उनकी लिस्ट में नाम था, तो ये जरूर देखना चाहिए कि क्यों रोका गया। और रोकना एक बात होती है, लेकिन इस तरह वो करना उनके ऊपर लगा भी, तो मेरे ख्याल में इसको देखना चाहिए और जिस तरह भी कहा गया है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको देखे। वकला पे कोई उनके साथ कुछ ज्यादती हुई है जिसका मुझे एग्जैक्टली तो इल्म नहीं है क्या हुआ, मगर उनके पास कोर्ट की तरफ से इजाजत थी और उनको अंदर नहीं आने दिया गया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उनके साथ कुछ आई थिंक उनको मैल हैंडल भी किया है बाहर और अफसोस है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था और मेरी रिक्वेस्ट है इंटीरियर मिनिस्ट्री से कि इस मामले की तहकीकात कराएं कि किसने किया और इसके पीछे क्या मकसद था। जी अच्छा, ये तो दुख, बड़ी दुख और अंदोह की तस्वीरें बने हुए हैं, बड़े हम्बल और बड़े तकलीफ में नजर आ रहे थे तलाल चौधरी साहब। अब जरा ये सुनाएं कि अदालतों के बारे में इस वाकये से पहले क्या और किस अंदाज की गुफ्तगू होती रही, मुख्तसरन वो भी दिखा देता कि फिर हम मेहमानों की तरफ बढ़ें। जी इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गैर आइनी, गैर कानूनी और लोगों की मर्जी के बगैर उसको इक्तदार से हटाया गया, तो ये आलमी साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, जहां पे लड़ाई हो जुबान की बुनियाद के ऊपर, फिरके की बुनियाद के ऊपर और घर घर ये लड़ाई हो रही हो, तो जो भी मियां नवाज शरीफ को घर पहुंचाने का मुंतकिब होगा वो इसका भी मुंतकिब होगा। जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा होगा मियां नवाज शरीफ के जाने के बाद। नवाज शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। मंसूर अली खान साहब, आप चूंकि ये कवर भी करते रहे हैं और कवर कर भी रहे हैं, पहले तो आप मुझे एज अ जर्नलिस्ट ये बताएं कि क्या ये बड़ा हादसा था जो आसमान से नाजल हुआ या ये जो एक दिन पहले 8 घंटे ग्रिल हुए किबला इसहाक डार साहब
उसकी वजह से उसका शख्साना था इस्लामाबाद से सॉरी लंदन से जो हुक्म था, क्योंकि कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर तलाल चौरी साहब बराह रास्त हदायत जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से ले रहे थे। आप कैसे देखते हैं इसको जनाब मंसूर अली खान साहब? भाई साहब इसमें बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। शेर को आपने देखा हुआ, शेर चूंकि इनका निशान है, शेर जंगल में जब घूमता है और शेर जब पिंजरे के अंदर बंद होता है, जब वो पिंजरे में बंद होता है ना तो वो लेफ्ट राइट घूम रहा होता है, वो बड़ा बेचैन होता है, परेशान होता है और जब वो जंगल में होता है उसकी बड़ी पुरसकून एक चाल होती है, बड़े आराम से घूमता फिरता है। आप सिर्फ आज तलाल चौधरी साहब का जो बयान है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है मीडिया से, उसका जरा मुआवजना करें एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू के साथ, जब उस दिन रेंजर्स एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद थे और एहसन इकबाल साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की थी, आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज के चुनाव, सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन, आपको लग पता जाएगा कि शेर जो है वो आजाद कब था और शेर जो है वो पिंजरे में किस दिन बंद हुआ हुआ था। आज शेर बड़े तरीके से आजाद था और इससे मुराद मेरी मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा हैं, वो बड़े आजादी के साथ कहते हैं जनाब बड़ा अफसोसनाक वाकया हो गया है तो हम इसकी जरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब उस दिन एहसन इकबाल साहब के साथ जब ये हुआ था, जब उनको वो बुला रहे थे वहां पे रेंजर्स के हेड को और वो तक उनकी बात नहीं सुन रहा था, डीजी रेंजर्स को वो फोन कर रहे थे, डीजी रेंजर्स फोन नहीं उठा रहे थे, वो कैसे फड़फड़ा रहे थे, वो इस तरह लग रहा था जैसे जंगल के वो इसके पिंजरे के अंदर बंद हुए हैं। आज जो कुछ हुआ है माजरत के साथ, मुस्लिम लीग नून का इमेज आज इंतहाई खराब हुआ है। ये जो इंसाफ की हम बात करते थे, हम कहते थे कि नहीं भाई इनको विक्टिम मत बनने दीजिएगा, इनको विक्टिम ना बना दीजिएगा, इंसाफ का रूट सही तरह चलने दें। आज जो कुछ इन्होंने किया है, मुस्लिम लीग नून मशहूर है इस हवाले से, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारती है, शायद बाहर की कोई पार्टी इनके साथ वो नहीं कर सकती जो ये खुद अपने साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर लेते हैं, वो बटन हमेशा उसके ऊपर उंगली इनकी रहती है, किसी भी व्यक्ति वो बटन दबा देते हैं अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देते हैं, आज माशाल्लाह से उन्होंने अपने साथ यही सब कुछ किया। अच्छा खान साहब मैं ये फिर दोबारा आऊंगा आपकी तरफ, मगर जनरल साहब आपकी तरफ आता हूं क्योंकि पिछली दफा रेंजर्स थे और चले बड़े दुख की तकलीफ हुई जनाब हमारे किबला जो वजीर दाखला और आजकल जो पार्ट टाइम वजीर खजाना भी है हमारे, उन्होंने कहा बड़ा अदालत में सब कुछ, अब किस हद तक क्या देखें लोग जो है सैलाब में भी बुला लें फौज को, अब अदालतों में भी फौज को बुला लें, क्या करें, बेबसी का आलम है जनरल साहब, हम इसी दुनिया में अब रहेंगे फॉर ऑल टाइम्स टू कम जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए यही वो चीजें हैं जिनसे आवाम की आंखें खुलनी चाहिए। ये रेंजर्स को हटाने का काम एक सोची समझी स्कीम के तहत, एक मंसूबे के तहत किया गया, क्योंकि ये वो इस तरह का आजादाना माहौल चाहते हैं जहां पे वो अदालती कार्रवाई को स्टॉल कर सकें। अब इसमें मुझे आज तो वो बिल्कुल जहन में वो अल्फाज फिर रहे थे गॉडफादर और माफिया वाले, क्योंकि मैंने आज देखा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया वो बिल्कुल उसी तरह का नजर आ रहा था जैसे माफियाज करती हैं और अदालतें बेबस हो जाती हैं। फिर आप देखिए कि ये हुकूमत को एक्चुअली तो रियासत का मुकदमा है जो एक मुल्ज़िम के खिलाफ, और रियासत अपना पैसा वसूल करना चाहती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये हुकूमत जो रियासत की वफादार है और रियासत से उसने तनख्वाह भी लेते हैं, रियासत से के साथ वफादारी का हलफ उठाया है, वो मुल्ज़िम के साथ जाके खड़े हो चुके हैं और अदालती कार्रवाई आगे बढ़ नहीं रही। इन हालात में जो शकूक व शुबहात है उनको इस तरह भी तकवीयत मिलती है कि मैं आज एक एंकर से सुन रहा था, वो अपने चैनल पे कह रहे थे कि लाहौर से और मुख्तलिफ जगहों से बाज हुंडे लाए गए हैं जिनको रात पार्लियामेंट्री लॉजेज में ठहराया गया है, पार्लियामेंट लॉजेज में से उनको काले कोट पहना के तो यहां ला के उनसे ये वारदात करवाई गई है, चंद एक वकला भी मौजूद थे लेकिन बहुत सारे वो जो जिनसे दंगा फसाद करवाया जाना था, तो उससे साफ जाहिर है कि ये प्रोसीडिंग्स इस तरह आगे नहीं चलेगी। जनरल साहब माफी चाहता हूं, मैं बता दूं एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब थे जिन्होंने थप्पड़ मारा, यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल बताए जा रहे हैं खावर अकरम साहब जिन्होंने सीनियर पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारा। बिल्कुल वो भट्टी साहब थे, भट्टी नाम है उनका, वो बिल्कुल पहचाने जाते हैं, लेकिन जिन्होंने वहां पर नारे ले और दंगाबाजी की है उनमें कहा जाता है कि वो कुछ लोग वो भी हैं। बारसूरत मैंने चूंकि एक कैंकर से सुना एक चैनल पे वो बड़े वसूख से कह रहे थे, बल्कि ये कह रहे थे कि जी पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट लॉजेस में जाके इसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि ये फुटेज नाज़रीन आप देख भी रहे हैं उस थप्पड़ की और वो साहब की शक्ल भी नजर आ रही होगी जी, वो हम फुटेज दिखा रहे हैं जनरल साहब जिसमें वो थप्पड़ मार रहे हैं एक सीनियर पुलिस अफसर को, और जिनके बारे में आप कह रहे हैं जी मैं आप बिल्कुल मैंने देखी है जी मैंने देखी है, और उस पुलिस ऑफिसर ने बड़ा तहम्मल का सबूत दिया है। हाँ जी, उसने बड़ा बुर्दबारी का सबूत दिया है, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि पुलिस इस तरह अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकेगी।
अगर यहां के डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को कोई थोड़ी बहुत भी अगर अपने जाहिर है ये तो है, ये तो उनको इंकार कर देना चाहिए अगले दिन यहां पे ड्यूटी देने। मॉडल टाउन होता तो शायद पुलिस को रिएक्ट भी करती। मैं जनरल साहब ले लूं राजा साहब को। राजा साहब दो बातें, पहले तो ये कि किन टैक्टिक से जो रियासत का डॉक्टर खालिद राजा साहब ये जो क्या अवॉइड निकल सकते हैं जो जिस जाहिर है जहां भी रियासत खड़ी है जो भी इसकी हालत है मगर एक कानून का एक जो बॉल जो जिसे कहते हैं सेट इन रोलिंग हो गया है इससे ये बच पाएंगे या ये फिर क्या मजाक बन जाएगा हमारा कानून अदालतें एक उम्र गुजारी है आपने इस पेशे में क्या देख रहे हैं आप? जो आज का जो रवैया है इस रवैये में जैसे गुंडागर्दी एक एस्पेक्ट है जिसके जरिए आप समझते हैं कि हम अदालत के काम को फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं और रोजाना बात हो रही थी कि हम इंडाइटमेंट नहीं होने देंगे हम चार्ज फ्रेम नहीं होने देंगे। अदालत को हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का कि आपने फला टाइम फ्रेम में इसको मुकम्मल करना है और उसको रोकने का एक ही तरीका था कि अदालत में हंगामा रही और ये जो हुआ है मेरा ख्याल है कि इसमें तमाम वकला साहब नहीं होंगे यकीनन वो लोग हैं बीच में जो इस गरज से आए थे कि हाँ हमने आज की कार्रवाई नहीं होने देनी। यानी आप भी इस राय से इत्तफाक करते हैं जो मंसूर अली खान साहब ने दिए कि ये प्लान था और फिर जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं कि लोगों को लाया गया इंडाइटमेंट को डिले करवा के ये क्या कर लेंगे क्योंकि अगर ये बाहर चले जाते हैं आज ये खबर भी है कि ये शायद चले जाएं तो आप जानते हैं तीन तीन साल की सजा हो जाएगी मुल्क में ये आ नहीं सकेंगे। हाउ कैन दे रीहेबिलिट आ सकते हैं वापस इन हथकंडों से दोबारा? एक मुलजम की ख्वाहिश होती है कि आज मैं बच जाऊं। अच्छा आज मैं नस जाऊं। आज तो ये मुलजम की ख्वाहिश होती है और इस माहौल में आके हर मुलजम ऐसे ही सोचता है और मैं समझता हूं कि हर आदमी कहता है मुझे आज सजाए मौत न दे कल दे लेना मतलब ये तो बिल्ली को देख के आंखें बंद करने वाली बात है और ये एक अच्छा मिसाल हम काम कर रहे हैं। अच्छा मैं एक ब्रेक की तरह जब वापस आऊंगा तो दो बातें, एक तो ये कि क्या आइंदा क्या एक तो मैं जनरल साहब से भी पूछेंगे और मंसूर अली खान साहब से भी कि अब क्या नागुजीर हो गया है इन अदालतों में जो हिफाजती अमूर हैं वो रेंजर्स को देने पड़े थे जैसे कराची में दिए यहां पंजाब में जुज्वी तौर पर दे रखे हैं और ये अदालत हम खुद ही दरखास्त करें कि भाई माफी दे दें ये रकम लें और आप निकल जाएं या क्या हो बेबसी है। वापस आते हैं बात करते हैं कि क्या अब रेंजर्स को टेक ओवर करनी पड़ेगी हमारी अदालतें। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन और अभी भी साथ आप फुटेज 1997 की फुटेज भी देखते रहेंगे। एक डार्केस्ट डे हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन था जब एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोर्ट के भागना पड़ा और उस वक्त भी इत्तफाक से यही पार्टी के लोग थे। जनाब मंसूर अली खान साहब, मंसूर अली खान साहब अब आप कैसे देखते हैं? आपने कहा कि अपने पांव पे उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है, अब आप समझते हैं कि ये मुतालबा जोर पकड़ जाएगा कि ये अब जो कम अज कम सिक्योरिटी है वो अब फौज के पास हो या जो रेंजर्स हैं उनके पास हो? क्या हल नजर आता है आपका और क्या हो सकता है और खबरें क्या हैं आपके पास मंसूर अली खान साहब? भाई साहब मैं आपके साथ दो बातें शेयर करूंगा। एक तो ये जो बात है कि रेंजर्स को क्या कंट्रोल ले लेना चाहिए, फौज को इस सिलसिले में मुदाखलत करनी चाहिए, मैं नहीं समझता। मैं इसलिए नहीं समझता क्योंकि आप जितना इनको इन्वॉल्व करेंगे, हमारी फौज को या रेंजर्स को इन्वॉल्व करेंगे, मुस्लिम लीग नून के पास उतना ही ज्यादा ये कार्ड प्ले करने का उन्हें मौका मिलेगा। वो ऑलरेडी कर रहे हैं क्योंकि वो जितनी महाजराई ऑलरेडी कर चुके हैं इसके बाद तो उनके पास गुंजाइश भी नहीं है। वो बार बार यही बात इस्तेमाल करते रहेंगे कि जनाब देखें हर मामले के अंदर फौज को लाके आपने खड़ा कर दिया है। आप जीआईटी का अभी तक देख लें, जीआईटी के मामले के ऊपर आईएसआई और एमआई के हवाले से वो अभी भी कहते हैं उनको, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था हीरे, मियां नवाज शरीफ साहब ने हीरे का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो अगर आपने लाके फौज को इस तरह खड़ा कर दिया तो ये तो और कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। इनको मत दें ये चांस, करते रहें, ये इसी तरह की हरकतें करते रहें। फिर सॉल्यूशन क्या है मंसूर साहब? सॉल्यूशन क्या है? देखें अगर हम उनको नहीं लाएंगे तो गुल्लू बट आ जाएंगे, हमारे पास चॉइस क्या है? ठीक है सर, देखें मेरी बात सुने। पॉलिटिक्स जो होती है ना वो इमेज का नाम होता है।
इमेज जितना खराब हो रहा है इस वक्त मुस्लिम नून का, इससे ज्यादा इनको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं तो इमरान खान साहब के हवाले से भी कहता हूं, चुप करके आराम से पीछे होकर बैठ जाएं, लेट देम प्ले, इनको खेलने दें जो ये कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तानी बैटिंग लाइन है, पाकिस्तानी बैट्समैन खुद आउट होते हैं, बॉलर आउट नहीं करता। इसी तरह मुस्लिम नून के लिए जो खिलाड़ी हैं, अपने आप को खुद ब खुद आउट कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। और माजरत के साथ, किसी भी महजब मुल्क में जहां पर जमहूरियत हो, आज जो कुछ हो चुका है उसके बाद वहां पर मिनिस्टर खड़ा नहीं हो सकता। हमारे वहां पे माशाल्लाह स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर खड़े भी हुए थे और कह रहे थे बड़ा अफसोस हो गया, ही शुड हैव रिजाइंड देयर एंड देन, के उनके होते हुए सब कुछ हुआ है। लेकिन माशाल्लाह इसी तरह सिस्टम चल रहा है और ये इसी तरह ही चलता रहेगा आगे। नहीं, उनसे तो साफी ने सवाल भी किया कि आप तो रिपोर्ट कर रहे थे मरियम साहिबा को और जो है वो उनसे हदायत भी ले रहे थे। जनरल साहब ये उनकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूं कि फौज को हमें ड्रैग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें। सवाल ये है कि आर्टिकल 245 हो या और भी हैं रेमेडीज हमारे पास, कम से कम यानी जो रेंजर्स है उसको उस सिक्योरिटी के लिए तो बुलाया जा सकता है या नहीं। आप क्या सोल्यूशन समझते हैं कि शुड वी लेट दिस गो ऑन, कि ये आए और नारे लगाएं और जज के सामने एक भंगड़ा डाल के निकल जाएं और हम देखते रहें। जनरल साहब, देखिए, इसमें मेरे जहन में जो चीज आती है वो ये किया जा सकता है कि जो एहतसाब अदालत के जज हैं वो मॉनिटरिंग जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको रिपोर्ट करे और उनको कहे कि जी मैं इन हालात में अगर मुझे पूरी तरह सिक्योरिटी ना मुहैया की गई तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये केस चलाना मेरे लिए मुश्किल होगा। दो दफा हो चुका है यहां पर। उस सूरत में जो मॉनिटरिंग जज हैं वो ऑर्डर दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये डीसी जो है ये नाकाम रहा है अपने काम में, इसका काम था वहां पे सिक्योरिटी अरेंज करना, वो किस तरह करता है, यहां पुलिस की नफरी 3 गुना ज्यादा लाता है, रेंजर्स डिमांड करता है, जो भी करता है उसकी जिम्मेदारी है। और अगर आइंदा यहां पे कोई बदनस्मी हुई तो डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ जिसकी जिम्मेदारी है उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। तो ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये टास्क दे दिया जाए वहां पर, यह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी, एक चीज। दूसरा यह है कि ये पोलिटिकल टर्मॉयल जो पैदा कर रहे हैं, चूंकि ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो खास तौर पे ऑपोजिशन में हैं, पीपल्स पार्टी है जिनका वतीरा ऐसा नहीं रहा, वो अदालतों से कन्फ्रंटेशन नहीं करते रहे, ये पीटीआई है जिन्होंने कन्फ्रंटेशन नहीं की है, इन लोगों को अपनी सोच को इकट्ठे करना चाहिए और एक पॉलिटिकल काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहिए इनके खिलाफ। मैं सुन रहा था आज बाज पॉलिटिशियंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कर रहे थे, उन्होंने उसमें इन चीजों का बड़ा इस पर तशवीश का इजहार किया है, लेकिन यह बड़ा जरूरी है कि इनके चेहरे बेनकाब किए जाएं और इनको पॉलिटिकली काउंटर किया जाए कि आवाम तक जाया जाए कि जी देखें ये किस तरह बर्बादी फेर रहे हैं मुल्क की। एक तरफ खतरात हैं मुल्क को, दूसरी तरफ ये कानून की हुक्मरानी नहीं रही, और तीसरी तरफ जो हुकूमत है वो मुल्जमों के साथ जा मिली है। ये एक नैरेटिव है जिसको पॉलिटिशियंस को लेकर आगे चलना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये दोनों मामला जो हैं यहां पर इनकी मुखालिफ सिमत में जाना शुरू हो जाएंगे। डीसी मजबूर होगा यहां पर अपने ये इसका दिफा करने में और इनको सिक्योरिटी प्रॉपर देने में, और कोर्ट का ऑर्डर होगा, लिहाजा डीसी भी मजबूर होगा और वो कह सकता है कि जी मैं कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत पूरी ये दे रहा हूं यहां पे। ठीक होगी बात। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ये तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए सुपीरियर कोर्ट को। डॉक्टर साहब, तो आप जनरल साहब की बात से इतफाक करते हैं कि ये जो दूसरा हाल है कि जो है डीसी ने अपना काम नहीं किया और पुलिस ने जो है वो जाहिर अंदर नाकाम हुए खुले तौर पर, एक सवाल तो ये कि आप, और दूसरा ये कि क्या जितना भी हो जो या तो ताले लगा दे फिर हम अदालतों को, या फिर इनको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा या एब्सकॉन्डर होना पड़ेगा, आपका क्या टेक है इस पर जनाब डॉक्टर साहब? मैं समझता हूं कि एक तो मैं जनरल साहब इत्तफाक करता हूं कि जो हमारे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मॉनिटरिंग जज हैं उनको इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समायत हो सकती है इन अ कूल मैनर, तो वो जज साहबान यहां क्यों नहीं कर सकते, बजाय के फौज या ऑर्डर करे, बजाय के डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर करे, द सुप्रीम कोर्ट शुड टेक पास एन ऑर्डर के हां जी आई वांट दिस। और मैं समझता हूं उसके बाद ये जो बार काउंसिल का रवैया है वो भी देखना चाहिए, ये भी देखें कि इनमें वकील थे कितने कितने लोग बाहर से आए हुए थे, वकील कुछ नहीं भी थे। अच्छा, दूसरा जो सवाल कैसा है डॉक्टर साहब, मतलब ये इसमें तो यू हैव टू गो थ्रू, या तो आपको इसमें खड़े होकर डिफेंड करना पड़ेगा या आपको भाग जाना पड़ेगा, ये आप क्या ऑप्शन देख रहे हैं इनके पास? नहीं, मैं समझता हूं यहां खड़ा होना चाहिए और जो कानून बेबस नहीं होता, सिर्फ इश्यू ये है कि जो आदमी कानून नाफज करने वाला है
वो माठा पड़ जाता है, उसकी लॉयल्टीज मुख्तलिफ होती हैं। देख कर ये लोग जो वुजरा आए हैं साथ, ये वुजरा कौन है? ये तो जैसे पेंड में नंबरदार ही आता है मुर्दों के साथ। ये दे शेयर द सेम वॉइस, ये लोग जो हैं ये करप्शन को शेयर कर रहे हैं बाय बेकिंग देयर प्रेजेंस इन द कोर्ट एंड दे आर हैंड इन ग्लव विद देम। एक ब्रेक की तरफ मैं खान साहब के लिए, मंसूर अली खान साहब के लिए एक सवाल ये छोड़े जा रहा हूं कि जो अब खाकान अब्बासी साहब बड़ी अजीब मुश्किल में, कल मेरे को होस्ट मेरे दूसरे प्रोग्राम में बता रहे थे कि पार्लियामानी पार्टी में कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा उनको, वहां पे जो है पता ही नहीं चलता वो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए या नहीं, बल्कि ख्वाजा साहब ने तो यहां तक कह दिया बकौल चौधरी गुलाम हुसैन साहब के उनके सोर्स के कि जनाब हमारे वजीर आजम तो नवाज शरीफ साहब हैं। तो खाकान अब्बासी साहब क्या डिस्टेंस करेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि वो यहां हुकूमत भी कर रहे हैं और कारोबार भी वतन अजीज में कर रहे हैं, तो क्या होगा मामला? पूछते हैं मंसूर अली खान साहब से, हमारे साथ रहिए। मंसूर अली खान साहब, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जमाने में एक फजल अल्लाह चौधरी साहब हुआ करते थे, तो उनके बारे में था कि उन्हें रिहा किया जाए, जो सड़क लिखा होता था बाहर वो कि उन्हें रिहा किया जाए। खैर ये से जराए तफन्नन कह रहा हूं, आपको क्या लगता है कि जी अब्बासी साहब कल डिस्टेंस किया उन्होंने एक दो इंटरव्यूज में इस सारी कहानी से, आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और जो तलाल चौधरी साहब आज बड़े माशाल्लाह गिड़गिड़ा के बात कर रहे थे, तो क्या ऊपर से उन्हें भी क्यों डांट पड़ी होगी? खाकान अब्बासी साहब ने कैसे रिएक्ट किया होगा या किया है, क्या है आपके पास खबर मंसूर अली खान साहब? गाय साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से मैं आपको एक बात तो बता दूं कि बड़े कॉर्पोरेट माइंडेड किस्म के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने जो सारा उमूर हुकूमत जो है वो ईमेल के जरिए ऑपरेट करते हैं, जो मुझे अंदर से खबर मेरे साथ शेयर हुई है। अच्छा, दूसरी बात आपने फरमाया कि मुझे उनको शायद खाकान अब्बासी साहब को कोई सीरियसली नहीं लेता वजीर आजम के तौर पर। मैं आपको एक छोटा सा वाक्या आपके साथ शेयर करता हूं। नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके थे, वजारत उज़्मा उन्होंने छोड़ दी हुई थी, तो उसके और शायद खाकान अब्बासी साहब ऑलरेडी अब तहलफ उठा चुके थे। उसके तकरीबन एक हफ्ते के बाद मुझे एक दिन फोन आया, मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर रहनुमा और वजीर, उनका फोन आया। उन्होंने मुझे कहा जी वो अस्सलाम वालेकुम, मैं कही वालेकुम सलाम, वो प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी खैर है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मैंने कहा जी ठीक है मैं हाजिर हो जाऊंगा, बताइए कितने बजे आना है। तो उन्होंने मुझे कहा जी आप कल शाम 5 बजे आ जाए। मैंने कहा जी ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हाउस आना है? उन्होंने कहा नहीं नहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं आना। तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर से मैं और कहां मिलूंगा? उन्होंने कहा पंजाब हाउस आना है आपने। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर से मैं पंजाब हाउस में मिलूंगा? तो उन्होंने कहा आप क्या समझ रहे हैं? मैंने कहा मैं शायद खाकान अब्बासी साहब के बारे में आप बात कर। उन्होंने कहा नहीं नहीं नवाज शरीफ साहब के बारे में बात कर रहा हूं भाई। अच्छा, मैंने कहा तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर तो मत कहे उन्हें। तो उन्होंने कहा नहीं बड़े भाई हमारे तो प्राइम मिनिस्टर वही है ना, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप आइए जरा उनसे। तो मैंने कहा भाई नवाज शरीफ साहब कहे ना प्राइम मिनिस्टर, क्यों कह रहे हैं आप बार बार प्राइम मिनिस्टर बोले जा रहे हैं? तो वो अभी भी जो अंदर कैबिनेट है, जो काबीना है, जो माइंडसेट है, ये पूरी इस वक्त जब भी ये थिंक टैंक इनका बैठता है मुस्लिम लीग नून का, उनकी नजर में प्राइम मिनिस्टर वही है आज। शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद बैठे होते हैं, आप मुझे बताइए पहली दफा जब वो रैली लेके जा रहे थे लाहौर के लिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद वहां पे खड़े हुए थे, उन्होंने खुद उनको सी ऑफ किया था नवाज शरीफ साहब को, जनाब बहुत शुक्रिया, और उनके सामने नवाज शरीफ साहब जो है वो रैली लेके जा रहे थे कि जनाब। और उस दिन एक और बड़े मजे का वाकया हुआ, शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब खड़े हुए थे, और शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब खुद खड़े होकर कह रहे थे कि जी मईशत का बहुत बुरा हाल हो चुका है, जब तक नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तब तक ठीक था, जब से शायद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम बने हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क। मैं तो अपने ही प्राइम मिनिस्टर को माशाल्लाह बुरा भला करें और वो उनसे 6 फुट की दूरी पर बैठे हुए और उनके सामने कह रहे हैं मईशत का बहुत बेड़ा गर्क हो गया। फॉर गॉड से कोई कॉमन सेंस इस्तेमाल, कोई ऑप्टिक्स ही सही तरह इस्तेमाल कर लें भाई, अपने प्राइम मिनिस्टर की को इतना आप जलील कर रहे हैं बैठ के, उनके बारे में तो कोई अच्छी अच्छी बातें कर लें, लेकिन नहीं भाई इसी तरह चलेगा सिस्टम। ये जनरल साहब ये तो एक जैसे कहते हैं ना तवायफुल मलूकी वाला मामला है, प्राइम मिनिस्टर जो खुद बैठे हुए हैं वो कहते हैं मैं नहीं हूं वो हैं, उसके बाद अदालतें, ये अच्छा फौज की तरफ हम देख रहे हैं, फौज पे अटैक भी आ रहे हैं, सफदर साहब ने जो किया सबको पता है उसका क्या था सिलसिला, इसके अलावा जो फौज के वाले, अब सारी नजरें जो है गलत या सही वो एक उधर देखते हैं कि जी अब क्या करें, इसको कैसे दुरुस्त करें। अब आपको क्या नजर आता है? फौज मुदाखलत नहीं करना चाहती, हर कोई जानता है, मगर फौज 190 पे आएगी और इंप्लीमेंट जरूर करवाएगी, मगर बाज लोग बड़े डेस्परेट लगते हैं, कह रहे हैं जी तमाम इदारे बांझ हो चुके हैं, सारा ड्रामा लगा, ये इस तरह की लोग बात, तो आप कैसे देख रहे हैं इस सारे लूज सारा जो एक इक्वेशन बनी हुई है, आर्मी इसमें कैसे रिएक्ट करती रहेगी? जनरल साहब देखिए जहां तक मेरा इल्म है आर्मी कतन कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी, इसमें इंटरवीन नहीं करेगी, और बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि जी देखिए हम 5-5.5 लाख की फौज है,
और आज मुल्क में पूरी तरह बटी हुई है, कोई ईस्टर्न बॉर्डर पे, कोई वेस्टर्न बॉर्डर पे, कोई इंटरनली काम कर रही है, तो हम तो 5.5 लाख हैं, तो मुल्क तो बाकी भी 21 करोड़ लोग हैं, तकरीबन 21 करोड़, वो किधर हैं? सो उनकी भी जिम्मेदारी है, आखिर उन्होंने रहना है इस मुल्क में। तो एक तो ये सोच है कि पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए, पब्लिक को पता लगना चाहिए। अब पब्लिक को समझाने के लिए 2-3 चीजें आप पिछले दौर हिस्ट्री नवाज शरीफ साहब की देखें, नवाज शरीफ साहब की पर्सनैलिटी समझने की जरूरत है। पहली बात तो उनकी पर्सनैलिटी में यह है कि वो कन्फ्रंटेशन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आप देख लीजिए फौजी हुक्मरानों का तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने क्या पहले दौर में गुलाम इसहाक खान को बर्दाश्त किया था? सिविल गवर्नमेंट थी। फिर आप उनका दूसरा जो उनकी प्रॉब्लम है, जो उनके दूसरे दौर में बड़ी झलकती रही जब वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, वो ये है कि वो आइन जो जी चाहे कहता रहे, वो एक मुख्तार कुल, वो ऐसा इकतदार चाहते हैं जिसमें हर चीज जो है उनके कब्जे में हो, इतनी ताकत हो कि उनके इशारों पर एक जर्रा भी हिलना है तो उनके इशारे पर हिले। तीसरा उनका जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि अगर मैं हुकूमत में हूं तो ठीक है, अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान भाड़ में जाए, जो भी हो वो जहन्नम में जाता रहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। ठीक, ये तीन चीजें अगर आप जहन में रखें तो आपको एंड गेम नजर आ जाएगी कि वो करने क्या जा रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि वो कॉर्नर हुए पड़े हैं और उनको नजर आ रहा है कि अगर अदालती कार्रवाई ठीक चले तो शवाहद ऐसे मौजूद हैं कि इनका ठिकाना जेल होगी। उससे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि मुल्क में इतना फतूर डाल दिया जाए, गंद डाल दिया जाए, अपनी कन्फ्रंटेशन करा दी जाए, जल साहब कोई चीज आगे नहीं बच सकेंगे। मुख्तसर तो जी आप समझते हैं जेल से बच सकेंगे जो हरकतें हो रही हैं? बच इसी तरह सकेंगे कि आज हुकूमत उनकी है और हुकूमत प्रोटेक्शन दे रही है और हुकूमत करप्शन को भी प्रोटेक्शन दे रही है, हुकूमत मुल्जमों के साथ जामिली है और इस वजह से उनका एक महाज खुला हुआ है जो कामयाबी से जारी है। ठीक है, अगर ये हुकूमत हट जाए या हुकूमत उनका साथ देना छोड़ दे और हुकूमत वो जिम्मेदारी करे जो आईन उनके ऊपर आयद करता है, तो फिर आप देख लीजिए वो तो मेरे ख्याल में जब थप्पड़ मारा उस वकील को, अगर आम हालात में हुकूमत फाल होती तो वो पकड़ लिया जाता। मैं समझता हूं ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी अरेस्ट कर दिया होता, यानी पुलिस डिपार्टमेंट इस ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एक शर्मनाक बात है जिस तरीके से। अब डॉक्टर साहब मैं एक और बात, अब क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल हवाला है, आप फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, सियासत में भी आपका, इनका एक ख्याल ये है कि शायद किसी तरीके से ये एक पब्लिक प्रोटेस्ट या तहरीक में तब्दील कर दें अपनी इस लड़ाई को, और क्या आपका ख्याल है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ताजपोशी के लिए लोग सड़कों पर आ जाएंगे और इनके पीछे चलेंगे? डू यू थिंक, एक तो ये बात, और दूसरी बात ये जनरल साहब कह रहे हैं, डू यू आपको लगता है कि इनका मकाम अब या तो बाहर लंदन है या जेल है जिस तरह कह रहे हैं आप? डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है जहां तक इस केस का तअल्लुक है, जिस प्रोसेस से ये केस गुजरा है, जो शहादतें आई हैं, जो गुफ्तगू अदालतों में हुई है, लगता है इसमें इट्स ओनली वन वे ट्रैफिक टू द जेल एंड नो अदर। वन वे ट्रैफिक टू द जेल एंड नो अदर। आप ये समझते हैं कि जो बॉडी ऑफ एविडेंस है उसमें इनका बचना मुहाल है? अब अगली बात ये जी कि हुकूमत क्या चाहती है, हुकूमत मुमकिन है कल ऑर्डर कर दे कि हाँ जी हमने जज को ट्रांसफर कर रहे हैं, और आज कल का जो माहौल है कि एवरी वन हैज अ प्राइस, जो इनका एक माइंडसेट है इस हुकूमत का, इनकी पहली ख्वाहिश यह है कि इफ यू डोंट ज्वाइन देम ऑल राइट विल पे यू बाय देम, इफ यू कांट ज्वाइन देम। लेकिन इस दफा तो किसी कोई नहीं बिका, देखिए ये पहली दफा हुआ कि साजिश नहीं हुई। और एक सवाल और आपसे, एक मिनट सर, ये जो बात देख की बात है, कितना कॉज ऑफ कंसर्न था अबाउट पीपल बींग सोल्ड आउट, हमने किस हद तक अदलिया को बदनाम नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो देख के क्लीन ऑन दैट। लेकिन जो गुफ्तगू थी वो इन्होंने शुरू की हुई थी, और मैं समझता हूं इनका एक माइंड सेट ये है, ऑल राइट विल बाय इट, विल बाय इट। एक सवाल और आपसे डॉक्टर साहब, जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो है, ये मैं ब्रेक से बाद जवाब सवाल अभी छोड़े जा रहा हूं, जस्टिस जावेद इकबाल साहब के बारे में ज्यादा राय ये है कि वो इंटेग्रिटी वाले एक हैं, जो बने हैं अभी नैब के चेयरमैन बने हुए हैं, वापस आके पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं कि उनके आने से कोई क्या क्वालिटेटिव फर्क पड़ेगा इस सारे खेल में? जी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी डॉक्टर साहब, आप इस अपॉइंटमेंट को कैसे देखते हैं, और इस खास तौर पर विद रेफरेंस टू दिस केस आप क्या समझते हैं इस पे क्या असर पड़ेगा उनका, क्योंकि जो पहले वाले थे उनका तो नाम ही ना लें आप। जहां तक इस केस का तअल्लुक है, जो नए जज साहब हैं वो ही इज इररेलेवेंट। कैसे सर? इसलिए कि मुकदमा तो अदालत में आ गया है।
ओके, जब रेफरेंस पेश हो जाए तो चेयरमैन इज रेलेवेंट। ठीक है, अब तो मसला है, हाँ ये हो सकता है कि वो लोग जिसको हैंडल कर रहे हैं क्या वो सही एविडेंस पेश करेंगे या फिर वो फोटोस्टैट कॉपियां पेश करेंगे, और इसके बाद मैं समझता हूँ द मैटर्स बिटवीन द प्रोसिक्यूशन एंड द कोर्ट, और इसमें बेशुमार जुआ लगा हुआ है, बेशुमार लोग क्या सलाहें कर रहे हैं, और इसका एक ही हल है कि जब तक ये डे टू डे ट्रायल नहीं होती ये हंगामे होते रहेंगे। ठीक है, हंगामे होते रहेंगे। मंसूर अली खान साहब, अच्छा एक और बड़ी बात जो मैं कहा, ये जा रहा है कि आज जिस मकाम आओ फगां पे ये आज जो शरीफ डायनेस्टी पहुंची है, ये जो इर्द गिर्द के खुशामदी हैं और जो मशवरे देने वाले हैं ये इन्हें इस मकाम तक ले आए हैं। दूसरा, जनरल साहब ने भी कहा कि उनके अंदर एक ट्रेट है लड़ाई करने की। लड़ाई बंदा करे जब अवाम में कोई हो, लड़ पड़े रियासत से, या तो बंदा चीख गुहेरा हो, तो बंदा खुद अगर दुकानदार हो तो जी। मंसूर अली खान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये कितनी देर तक लड़ाई सस्टेन करेंगे और आज के वाकये का क्या असर पड़ेगा इस केस पे पॉलिटिकली, आप क्या समझते हैं मंसूर अली खान साहब? मेरे ख्याल में कायसा मुस्लिम लीग नून को अगर आप ये कहें कि उनको पाकिस्तानी सियासत से आप निकाल सकते हैं या वो निकल जाएंगे इस सारे वाकये के बाद, तो ऐसा तो नहीं होगा। जड़ें तो उनकी पंजाब की सियासत में मौजूद हैं, उसकी नजरियाती जो जड़ें हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर हम बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करें या इवन और भी बड़ी ऐसी जमातें रही हैं, जमात इस्लामी की भी अगर मैं बात करूं, वो नजरियात नहीं है, अपॉर्चुनिस्ट का एक टोला है जो अपने अपने मफादात के हवाले से इकट्ठा होता है। और अगर यही सूरत हाल 2018 के इंतखाबात तक चलती रही तो बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिस्ट जो हैं वो छोड़ के भी जाएंगे, जो कि एक फोन कॉल के ऊपर लेफ्ट से राइट चले जाते हैं, तो वो जाएंगे, छोड़ के जरूर जाएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जनाब सिर्फ एक खुशामदी टोला ही एंड पे रह जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये बेसिकली चौधरी निसार साहब और मरियम नवाज साहबा, ये दो लोग आमने सामने थे सारे मामले के अंदर। चौधरी निसार साहब को सपोर्ट इतनी नहीं मिली, अब काफी तक उनका मूड चेंज हो गया, और जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी उन्होंने कहा भाई कोई धड़ेबाजी नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, वो गिव अप कर चुके हैं, उनको पता लग चुका है कि मैं इससे ज्यादा जो कुछ मैंने कर लिया था मैं नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा महाजराई के मूड में लग रहे हैं। मुझे जब मरियम साहबा ने इंटरव्यू दिया था तो बड़ा क्लियर कट उन्होंने जुमला कहा था, गिरफ्तारी देने के लिए भी हम तैयार हैं। वो गिरफ्तारी के बाद जो कुछ होगा क्या उसके लिए तैयार है कि नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम उन्होंने कहा गिरफ्तारी देने के लिए हम लोग जरूर तैयार है। तो फुल टाइम महाजराई का मूड इनका लगता है, आगे आगे देखिएगा। मुझे लगता है ये गेयर अभी अगर दूसरे या तीसरे गेयर में, ये चौथे या पांचवें गेयर में भी मुस्लिम लीग नून जा सकती है। कम से कम जो मूड आज हमने अदालतों में देखा है, इससे एक स्टेप और आगे भी ये लोग जा सकते हैं। एक स्टेप और एक स्टेप और आगे क्या कैसे जा सकते, क्या करेंगे हम की बम मार देंगे, आई एम सॉरी क्या करेंगे अब अदालत में तो होली गणेश उन्होंने कर दिया। हां साहब, नहीं मेरे ख्याल में इसमें डिसरप्शन जो है, जिस तरह आपको, जिस तरह इस वक्त आपको, आप इकॉनमी देख लें, इसहाक डार साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है जी चूंकि वो अदालतों में बड़ा बिजी हैं तो इसलिए इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो रहा है और होता जा रहा है। हम लोगों को सिर्फ पाकिस्तान को अफ्लोट करने के लिए 31 अरब रुपया चाहिए हमें सिर्फ जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल ठीक, तो इस वक्त इकॉनमी के जिस तरह, तो डिलिबरेटली गो स्लो पॉलिसी के ऊपर काम हो रहा है, वो और तो वो चलता इसी तरह आगे आप देखते रहेंगे। इस तरह और अब तो इल्जाम लग रहे हैं कि जो हिटमैन वाली बात है कि वो तो यहां पर वैसे IMF, मैं आज हमारा मौजूद नहीं। जल साहब आखिरी लम्हे मैं ये चाहता हूं आप ये फरमाएं, टेलीफोन कॉलों का इंतजार करते रहे मुबैना तौर पर, कुछ हमारे दोस्त साफी आमन मीर भी मेरे प्रोग्राम में कह गए MNAs जो हैं कोई कॉल नहीं आई किसी जगह से पिंडी से, लिहाजा वो बैठे हुए हैं, तो एक तो क्या कोई अगर कॉलें आई तो लगेगा कि रग जो है पैरों के नीचे से निकल गई है, यही होता है, कौन सी बोल्शेविक पार्टी है। जनरल साहब देखिए बात यह है कि ये बहुत अरसे से ये चीज चल रही है, कभी कहा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, कभी कहा जाता है कि पाक सरजमीन पार्टी जो है वो बना दी है एस्टेब्लिशमेंट ने। मेरा अपना अंदाजा है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को दूर रखना चाहती है क्योंकि ये कंट्रोवर्सीज पहले ही हवा में बढ़ी हैं और एस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त इतने मसाइल हैं कि जो मैं समझता हूं उसमें वो घिरे पड़े हैं और बाहर से सबसे बड़ा मसला तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच बन गई ना जनरल साहब, अंदाजा है जो मैंने आपको, सबसे बड़ा मसला एग्जीक्यूटिव ब्रांच बन गई ना जो जहां पे आप होली गणेश देख रहे हैं। लेकिन मुझे जो इसमें नजर आता है रास्ता, हम पहले भी बात कर चुके, अगर अदालत जो है वो मॉनिटरिंग जज के साथ बात करे और उनको बताए कि जी अगले 4 महीने मेरे पास सारे रह गए, 4 महीने से भी कुछ कम है तो इसका कुछ इंतजाम होना चाहिए। पहला एक्शन ये है कि इन सारे लोगों को ECL पे डाला जाए और वो अदालत के हुक्म पे डाला जाए क्योंकि वैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नहीं करेगी, सो अदालत हुक्म दे कि इनको ECL पे सबको डाला जाए, इनको हाजिर किया जाए। दूसरी चीज ये है
कि अदालत और क्लोज मॉनिटरिंग करे, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को टास्क दे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को उससे निकाल दे, और फिर क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पूरे पाकिस्तान की है, ठीक, उसका ठेका सिर्फ यहां की अदालत नहीं है, ठीक, इसलिए यहां का जो जिली एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी है, उनको पकड़े ये। और तीसरी चीज ये है कि जो एविडेंस का इशू है वो जेआईटी की रोशनी में अदालत उसको मॉनिटर करे, क्योंकि नैब का आपको पता है सिर्फ एक आदमी के बदलने से नैब नहीं बदलेगी। जिस तरीके से जन साहब, मैं आगे एक लास्ट कमेंट डॉक्टर साहब से लेना चाहता हूं, तमाम अदारों को तबाह किया है, एससीसीपी तबाह कर दी है, नैब तबाह कर दिया है, नेशनल बैंक आप ले लें, स्टेट बैंक ले लें, एफबीआर ले लें, ये अदारे काम के नहीं रहे हुए, बिल्कुल ठीक है, मैं अदालत को मॉनिटरिंग बड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मैं ये जो आज वाकया हुआ, इसके बाद आप जो मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं पॉलिटिकली तो खैर डैमेज हो ही गए हैं या हो रहे हैं, तो आपको कुछ सिल्वर लाइनिंग नजर आती है कि अब इनका जो है ये वाकया डाउनफॉल तेज करेगा या और ताकत से वापस आएंगे? पहली बात ये जी कि ये कोई नई बात नहीं है, इस केस का वेन्यू तब्दील करना कौन सी मुश्किल बात है, ठीक है, आप लोग जो एटीए केसेस ट्राई नहीं करते उनके लिए आपने जेल में अदालत बनाई थी, बिल्कुल जेल में, भुट्टो की ट्रायल आपने जेल में की थी, तो इस केस के लिए वेन्यू चेंज कर दे, और ये अदालत के हुक्म से हो सकता है, इसके लिए एग्जेक्टिव अदालत हुक्म दे, यानी सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे सकती है, और वहां पर जाके मेक इट सो श्योर एंड सिक्योर, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बगैर पास नहीं जा सकते थे, ठीक, यहां क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक। नाजरीन, वक्त खत्म हो चला, बहुत शुक्रिया पैनलिस्ट का, मगर ये जो आज वाकया हुआ, मैं इस बात से मेरे ख्याल में इत्तफाक करते हैं, और वीकेंड हुए हैं, अब जगह जगह इनके वजीर जो हैं वजातें करते फिरते हैं, बहरहाल ये अपने इस तहफ़ और दिफा की इस पॉलिसी में कहां तक जागते हैं ये देखते रहेंगे और हम रिपोर्ट भी करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।